बीजेपी के प्रवासी विधायकों द्वारा साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अमरपाटन में भी उत्तर प्रदेश के सिसवा से विधायक प्रेम सागर पटेल ने शासन की योजनाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाना है, बूथ मंडल में किस तरह से काम करना है, इस तरह की चुनावी टिप्स कार्यकर्ताओं को दी। इस दौरान राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। विधायक प्रेम सागर पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास के काम कर रही है। ये वर्ष चुनावी वर्ष है। अपने प्रवास के दौरान हमने अमरपाटन विधानसभा का दौरा किया। अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल ने अच्छे विकास कार्य किए हैं, जिसमें मुख्य सड़कें शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास हुआ है। लोग भी यहाँ सरकार के काम से काफी खुश हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ अमरपाटन में भी भाजपा जीतेगी। साथ ही प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना है, उसको लेकर महिलाएं भी खुश हैं। मीडिया का सबसे पहले मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं प्रेम सागर पटेल हूँ, विधायक हूँ। सिसवा एक कंस्टिट्यूंसी है, डिस्ट्रिक्ट महाराज है, गोरखपुर के बगल में, भारत नेपाल के सीमा पर। वहाँ से यहाँ प्रवासी विधायक के रूप में हमारी रुचि 8 दिन के लिए लगाई गई। जो कार्यक्रम पार्टी ने दिया था, जो उस कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करना था, इस विधानसभा के बारे में बात करना था। हमसे ज्यादा आप लोग इस विधानसभा के बारे में जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश और भारत में, वो लगातार विकास के काम कर रही है। उसकी सूची प्रोवाइड की गई है और इस वर्ष चुनावी वर्ष है और चुनाव 2 महीने के अंदर डिक्लेयर हो जाएंगे और मेरे दोस्त से नवंबर में वो भी जाएंगे। मानक के अनुसार जो है नवंबर में चुनाव होना है। उस संबंध में अमर पाठक विधानसभा को हम भेजे गए और 8 दिन से लगातार हमने यहाँ देखा है कि विकास के मामले में काफ़ी सुदृढ़ विधानसभा हमको मिली। सड़कों में सड़कों की जाल है और काफ़ी जनता से लगातार हम मिलते रहे, कार्यकर्ता मिलते रहे, पूछते रहे। लोगों ने कहा विकास काफ़ी हुआ है भारतीय जनता पार्टी। योजनाओं को मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है वो बहुत ही सराहनीय है और उसका लाभ बहुत जनता को मिला है। जैसे अभी हमने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश में अभी लाडली बहना योजना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में लागू हुआ है, जिसका इम्पैक्ट गाँव में बहुत पड़ा है। गाँव के जो दबे कुचली महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, जिनकी अवस्था 23 साल से 60 साल के अंदर है, सबको एक रोजगार छाते में आया है। पुनः इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आदरणीय मुख्यमंत्री फिर जो है उनके खाते में ट्रांसफर करने जा रहा है। कुछ हमने देखा कि गांव में कुछ महिलाओं को नहीं भी मिला है, उसका फार्म 1 सितंबर से भरने जा रहा है। लोग गांव में जो भाजपा के विरोधी काफी जो काम करती थी, लोगों में गुमराह कर दिया कि योजना जो है हमारी सरकार आएगी तो 1,500 मिलेगी, अभी रुक जाओ। तो गांव की महिलाएं जो उसको एडाप्ट नहीं किया, लेकिन हम लोगों को समझ में आया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस काम को करेगी और हम लोगों का भूल है जो हम लोगों ने साथ नहीं भरा उसके उस श्रेणी में नहीं आए। तो हम लोग सब लोग जो है हमसे कह रहे कि नहीं, हम लोग जल्दी देखिए हम लोग को फार्म भरवाया जाए और मिले पैसा। वो लोग आतुर है कि विधायक प्रेम सागर पटेल ने कहा कि हमारा विषय चुनावी सर्वे करना नहीं है, हम तो सिर्फ कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें चुनावी टिप्स दे रहे हैं। हमने कार्यकर्ताओं को बैठक कर बहुत सारी जानकारी दी है, साथ ही उन्हें कहा है कि सरकार की योजनाओं को वो जन जन तक पहुंचाए। यहाँ की जनता पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को पसंद करती है। जितनी भी यहाँ योजनाएं चल रही हैं वो बहुत अच्छी हैं। 2023 में फिर से भाजपा सरकार बनेगी। वो तो हमारा विषय चुनावी सर्वे नहीं करना है, वो तो भाजपा अपना सर्वे कराती रहती है। हम लोगों का काम जो है कि चुनावी वर्ष है, जो कार्यकर्ता भाई काम नहीं कर रहे हैं या शिथिल पड़ गए हैं या उनके मन में कुछ और, तो उनको चार्ज करना था ताकि वो काम करें, भाजपा की योजनाओं को गांव-गांव तक, अंतिम व्यक्तियों तक ले जाएं और बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम आपके लिए किया है। कार्यकर्ताओं को हमने बेहतर सभी मंडलों में बैठक किया, 4 मंडल हैं यहाँ, 4ों मंडलों में बैठक किया, सभी समूह से मिला, सभी ग्रुप जो हमारे बने हैं, भारतीय जनता पार्टी जितनी उसकी बूथ है, मंडल है, सेक्टर है, सबसे हमने बात किया और हमने
ये पूरी तरह समझाया कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजना है अंतिम व्यक्तियों के लिए, वहाँ तक जाना चाहिए, उसको बताइए। जनता बिना पढ़ी लिखी है, आदिवासी लोग हैं, दबे कुचले हैं, सताए गए हैं, इनको जो है बताया जाए कि ये सरकार की योजना है, इसका लाभ ये है और ये पाएँ और इस पर कोई किसी प्रकार का घपला ना होने पाए। इस पर जनता बहुत सजग है, कोई शिकायत हमको नहीं मिली अब तक। अच्छा अच्छा, कांग्रेस ने कही है? नहीं, ये तो भ्रामक प्रचार है। भाजपा सत्ता में है और पुनः आ रही है, बहुमत में आ रही है, और यहाँ की जनता जो है मोदी जी को चुनना चाहती है। तो हमारी योजनाओं की पूरी कापी हमने, इस दूसरे राज्य का हूँ, सभी योजनाएं मैं नहीं जानता हूँ, बट जितनी योजनाएं हमने देखा है उस योजना की कापी हमने दिया है। वही मुद्दा गरीबों का, जो प्रधानमंत्री का मुद्दा है वही भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा, वही अंतिम व्यक्तियों तक ले जाना है। भाजपा उसी मुद्दे पर पुनः मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, saath hi global festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।